मौत के बाद वेल का क्या होता है? दोस्तों, वेल इस दुनिया की सबसे बड़ी जानवर है, जिसमें ब्लू वेल की लंबाई 27 मीटर तक होती है। ये लंबाई लगभग 2 स्कूल बसों के बराबर है और ये वजन में 32 हाथियों के वजन के बराबर होती है। और इनका दिल ही इतना बड़ा होता है कि उसमें एक इंसान आराम से तैर सकता है, लेकिन जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन जरूर मरना होता है। तो वेल के अंत के बाद उनके इतने विशाल शरीर का क्या होता है, चलिए जानते हैं। मरने के बाद वेल के पेट में मौजूद कई प्रकार की गैसेस उसके शरीर को फुला देती है, इसलिए उसका शरीर कई देर तक पानी में तैरता रहता है। उसी दौरान कई मास खाने वाली मछलियां जैसे कि ग्रेट व्हाइट शार्क उनके लिए एक आसान भोजन का जरिया बन जाता है। और जब धीरे धीरे वेल का शरीर डूबकर समुद्र तल पर आ जाता है, तो सतह पर ठंड और काफी प्रेशर की वजह से उनका शरीर कई दशकों तक बना रह सकता है। और समुद्र तल में रहने वाले हजारों जीव कई सालों तक उसका मांस खाकर जिंदा रहते हैं और आखिर में उसे कंकाल में बदल देते हैं। और ये हड्डियां भी कुछ दशकों में कई प्रकार के बैक्टीरिया और ऑर्गेनिज्म की खुराक बन जाती हैं। आखिर में दोस्तों, समुद्र पर राज करने वाली ये मछली हजारों का पेट भरकर उसी समुद्र में खाक हो जाती है।